बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत वाफियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम जो है वो इस्लामिक हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और आपको जो है वो तमाम एमसीक्यूज़ पार्ट वाइज प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए चलते हैं हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ। फर्स्ट एमसीक्यूज़ हमारा है, किस नबी ने इल्म फलकियात की इब्तिदा की, जिसको हम इंग्लिश में एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। तो चार ऑप्शन हमें दिए गए हैं, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। तो इसका राइट आंसर है बी, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है ए ऑप्शन, इनके बारे में आपको बताता चलूँ कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तीसरे बेटे थे कबील हाबील के बाद, और ये हाबील की मौत के 5 साल बाद पैदा हुए। इनका मकबरा फ़लस्तीन में है और इन्होंने 130 साल की उम्र पाई। हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम पेशे के लिहाज से दर्जी थे और कढ़ाई सिलाई का काम भी बखूबी जानते थे। ये दूसरे नबी हैं जिनका जिक्र कुरान पाक में आया है। ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद मबऊस हुए और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इनके बाद मबऊस किए गए। बाकी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ये फिरौन की कौम पर मबूस किए गए, और नूह अलैहिस्सलाम तूफ़ान नूह के बारे में बखूबी सब जानते हैं और कुरान पाक में भी इनका कई मरतबा ज़िक्र हुआ। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एमसीक्यू से पहले मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूँ कि आप जो है वो एक नोटबुक और पेन अपने हाथ में रखें, ताकि इन एमसीक्यूज़ के अलावा जो आपको जनरल नॉलेज बताई जा रही है आप उसको भी जो है वो नोट करते रहें। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है सेकंड, किस नबी ने इल्म हिसाब का आगाज़ किया मैथमेटिक्स, तो इसका भी राइट आंसर है हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम। थर्ड एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं जी, किस पैगंबर पर 3 सहाइफ नाजिल किए गए। तो सहाइफ के बारे में आपको बताता चलूँ कि चूँकि जो इल्हामी किताबें हैं 4 अंबिया कराम पर मबूस की गई, जिन जो हैं तौरात, ज़बूर, अंजीर और कुरान मजीद, इनके अलावा जो मैसेजेस, जो वही को किसी भी नबी पर आती थी उसको सहाइफ कहते हैं, और वो शॉर्ट फॉर्म में होती थी इसलिए उनको सहाइफ कहा गया है। तो 3 सहाइफ ये मखसूस किया गया है। तो चूँकि दूसरे अम्बिया कराम पर कहीं पर 10 हैं, कहीं पर 18 हैं, कहीं पर 20 हैं, कहीं पर कई 100 हैं, तो 3 जो हैं वो फिक्स हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम पर नाजल किए गए। इसका राइट जो आंसर है आपका वो ए है। फिर हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू, किस पैगंबर को आदम सानी कहा जाता है, ये सब बखूबी जानते हैं, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, डी ऑप्शन। पाँचवा एमसीक्यू है हमारा, हज़रत अदरीस अलैहिस्सलाम की रहलत कहाँ वाकया हुई, चौथे आसमान पर, नील के किनारे, फरिश्ते के परों में, वफ़ौत ही नहीं हुए। तो इसका राइट आंसर है फरिश्ते के परों में, इनकी जो डेथ है वो फरिश्ते के परों में हुई थी। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ चलते हैं, 9th। बाकी जो 6, 7, 8 है वो हम नेक्स्ट लाइन में डिस्कस करते हैं। तूफ़ान नूह के नतीजे में किश्ती नूह के मुसाफिरों के अलावा तमाम जानदार मारे गए और हर चीज़ तबाह होगी। इस तूफ़ान के बाद किश्ती नूह अलैहिस्सलाम किस मकाम पर जाकर रुकी। तूफ़ान नूह के बारे में सब जानते हैं, तो वो किश्ती जहाँ जाकर रुकी थी वो है कोहे जूदी। कोहे जूदी जो है वो ये टर्की के इलाके में आता है। इसकी जो लंबाई है वो ऊंचाई वो 6854 फीट है। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं जी, 10th। तूफ़ान नूह के बाद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम किस मकाम पर आकर आबाद हुई। अब चूँकि जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी किश्ती में तमाम जोड़े हर नस्ल के रख लिए थे, सवार कर लिए थे, तो बाद में उन्होंने अपनी नस्ल को आगे भी बढ़ाना था और ज़िंदगी भी गुजारनी थी, तो उसका बताना है कि वो कहाँ आकर क़याम पज़ीर हुए। तो वादी फरात में, वादी दजला में, दोनों ए और बी, या इराक में। तो इसका राइट आंसर है आपका वादी दजला। ये इराक का इलाका है, ये बगदाद में है। किस पैगंबर को नजीउल्लाह के लकब से याद किया जाता है।
तो नजीउल्लाह का लुगवी मैना अल्लाह का मुकर्रब दोस्त या अल्लाह के साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ रहने वाला। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट टाइम सी उसकी तरफ चलते हैं। कुरान पाक की वो कौन सी सूरत है जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र बाकी तमाम सूरतों से ज़्यादा है? मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में बारहा बार जिक्र आया है। तो इसका राइट आंसर है सूरह हूद। सूरह हूद में ज़्यादा बार हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। नेक्स्ट एम सी क्यूज़ जो है वो हमारी स्लाइड के बाकी जो बचे हैं, सिक्स एम सी क्यूज़ है। शेखुल अंबिया किस पैगंबर का लकब है? शेखुल अंबिया किस पैगंबर का लकब है? तो इसका राइट आंसर है बी, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट एम सी क्यूज़ की तरफ चलते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में आने वाला तूफ़ान कितना अरसा रहा? तूफ़ान के बारे में पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि कौम ने नाफरमानी की, शिर्क ना छोड़ा, तो इसलिए जो है वो तूफ़ान नाजल हुआ, अल्लाह ताला की तरफ से अजाब नाजल किया गया। तो वो तूफ़ान जो है वो 6 माह रहा। इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट चलते हैं जी। किस पैगंबर को अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी किश्ती बनाने और इसमें तमाम जानदारों के एक एक जोड़े को सवार करने का हुक्म दिया? ये भी आप सब जानते होंगे, डी ऑप्शन, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। फिर चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ। एमसीक्यूज़ नंबर 13, शदाद किस कौम का बादशाह था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन हैं, बनी इसराइल, बनी समूद, बनी हूद, बनी आद। तो वो बनी आद का बादशाह था। इसके बारे में बताता जाऊँ, शद्दाद के बारे में, ये कौम आद पर जो है वो कौम आद में से था, और कौम आद हज़रत हुदूद अलैहिस्सलाम की कौम है। शद्दाद जो है वो खुदाई का दावेदार, इसने जो है अपनी मस्नूई जन्नत भी कायम की जिसमें जो इसने तमाम फैसिलिटीज़ रखी और तरह तरह की जो है वो फैसिलिटीज़ उसमें कायम की। अभी रिसेंटली इस कौम के आसार इरम शहर है अमान का, वहाँ से दरियाफ्त हुए हैं, और ये अमान के इलाके की कौम है। और शदाद के बारे में ये है कि इसने जो अपनी मस्नूई जन्नत बनाई थी, जब ये उस जन्नत में दाखिल होने लगा तो इसका एक पांव उस जन्नत में था, एक पांव उसके बाहर था, तो उसी वक्त इसकी रूह कब्ज़ कर ली गई और ये हलाक हो गया। 40 एमसीक्यूज़ की तरफ चलते हैं। शदाद ने जो अजीम शान बाग बनवाया था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम बाग यादन, बाग याद, बाग इरम, बाग शदाद। तो इसका राइट आंसर है सी, बाग इरम। चूँकि ये एक इरम का इलाका, अमान का इलाका था, तो उसी नस्बत से इसको ये नाम दिया गया होगा। 15 एमसीक्यूज़ है, किस कौम पर एक शदीद तूफ़ान अज़ाब इलाही के तौर पर नाजल हुआ? तूफ़ान यहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। जो तूफ़ान हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर आया था वो सैलाब की शक्ल में था, यह तूफ़ान आंधी की शक्ल में था। तो ये जो है इसका राइट आंसर आपका होगा बनी आद, ए ऑप्शन। क्यों, पहले भी आपसे बता चुका हूँ कि ये हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम थी और इन्होंने शिर्क नहीं छोड़ा। चूँकि इन्होंने शिर्क नहीं छोड़ा इसलिए इनके ऊपर मबूस किए गए नबी ने इनके ख़िलाफ़ जो है वो बददुआ कर दी, इसलिए इन पर अज़ाब नाज़िल किया गया। हमारा 16 एमसीक्यूज़ है, बनी समूद का मस्कन कौन सा इलाका था? यहाँ पर हमें बनी समूद का कब बताना है, तो वादी करा, वादी हजर, ए और बी दोनों हैं, या वादी यमन। तो इसका राइट आंसर है ए और बी, यानी वादी करा भी है और वादी हजर भी है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 16 एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लिए हैं। 17 एमसीक्यूज़
और इससे अगले जो MCQs हैं वो हम जो है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। हमने पूरी कोशिश की कि आपको जो है वो मैक्सिमम और मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs जो हैं प्रोवाइड किए जाएं। तो इसी तरह नेक्स्ट पार्ट में जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट और रिवाइज हुए हुए एग्ज़ाम्स में PPSC, FPSC, CSS इन जो कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं उनमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs आते हैं वो आपको ब्रीफ कर दिए जाएँ। तो उनको वक्त पर देखने के लिए, वक्त पर हासिल करने के लिए हमारा चैनल काइंडली सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारी टीम ने बड़ी मेहनत से ये तमाम MCQs इकट्ठे किए हैं, ये तमाम नॉलेज इकट्ठा की है। आपका सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना हमारे लिए हौसला अफजाई होगी। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत हाफिज़ होंगे। अल्लाह ताला आपका हाफिज़ व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह